हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आज सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है कि हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट को पढ़ने जा रहे हैं हम। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, आप देख सकते हैं कि मॉडलिटी है, इंडिकेशन है और मैकेनिज्म है इसका। तो पहला हमारा ग्लूकोज प्लस इंसुलिन जब इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं, इसका जो मैकेनिज्म दोस्तों ये क्या करता है, जो पोटेशियम है, पोटेशियम को सेल के अंदर वो डिवाइड कर देता है। तो एक जगह पर लेवल कम हो जाता है, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, कैलिमिया मतलब पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर। दूसरा है बीटा ऑगोनिस लाइक सालबुटामोल, इसको भी इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं, सेम इसका मैकेनिज्म दोस्तों। अगला हमारा बाइकार्बोनेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट, इन दोनों का भी सेम ही है लगभग, बस एक कैल्शियम ग्लूकोनेट का अलग होता है दोस्तों। ये क्या करता है, एंटागोनाइज करता है कार्डियक कंडक्शन को और एबनॉर्मेलिटीज ड्यू टू पोटेशियम लेवल के हिसाब से। और फिर है हमारा लूप डायुरेटिक्स। लूप डायुरेटिक्स दोस्तों ये नॉन इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं, जो कि रीनल पोटेशियम एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और रेजिन्स है दोस्तों, ये भी नॉन इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं, ये क्या करते हैं पोटेशियम से बाइंड होकर उसको एक्सक्रीट करवाते हैं। फिर है हीमोडायलिसिस करके पोटेशियम को हम बाहर निकाल सकते हैं, दोनों तरीके हैं इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी तरीके से। और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियो पोटेशियम रिमूवल कहते हैं दोस्तों इसको। आगे फर्दर हमारी वीडियो आएगी, और अभी हमारा जनरल उसका भी टॉपिक चल रहा था, जनरल एस्थेटिक भी आने वाली है वीडियो, नेक्स्ट वीडियो है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। आप सभी को धन्यवाद।